और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई भी Xiaomi जो MIUI 12.7 वर्शन रन कर रहा हो तो यहाँ पर आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो भी टिप्स मैं बताने वाला हूँ वो आप अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं, उससे परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, वैसे बैटरी बैकअप भी ज़्यादा देगा एंड कुछ अच्छे टिप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेगा। तो कुछ टिप्स आपको ऑब्वियसली बता ही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग टिप्स देने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो मैं इसके रिलेटेड बनाया हूँ तो ज़रूर देखिएगा, उसमें ढेर सारे इंटरेस्टिंग टिप्स मैंने बताया है, जैसे कि वीडियो टूल बॉक्स का यूज़ करना हो। यस, Xiaomi में वीडियो टूल बॉक्स है, बहुत ही अच्छा है, उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है आपको। तो सेटिंग्स पर जाएंगे हम एंड यहाँ से एडिशनल सेटिंग्स है। तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शंस मिलेगा। देखिए, डेवलपर ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में, मतलब आपने इसको एनेबल नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स पर जाना है, अबाउट फ़ोन को जाना है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी जैसे MIUI वर्शन हो, इस पर एक 5-6 बार ऐसे टैप कर दीजिए, एक्चुअली 7 टाइम्स आई थिंक, तो ऐसे टैप कर दीजिए तो डेवलपर ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताएगा। एंड वैसे आप एडिशनल सेटिंग्स में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो एनेबल हुआ होगा, डेवलपर ऑप्शन दिखना चाहिए, तो टैप कीजिए एक बार। एंड यहाँ पर आपको स्किप स्क्रीन लॉक करके मिलेगा। अगर आपको बैटरी बूस्ट करना है एंड क्विकली मोबाइल में काम करना है कुछ विदाउट स्क्रीन लॉक, मतलब बार बार आप लॉक स्क्रीन को ऐसे ऊपर देखिए, जैसे अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ था, तो मैं स्क्रीन लॉक करने जाऊँ तो बार बार इसको अप करना है ना, तो आप ही यूज़ करते हैं मोबाइल, किसी को नहीं देते हैं, तो स्क्रीन लॉक की ज़रूरत नहीं। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को ऑन करके रख दीजिए, तो जब भी अगर आप मोबाइल लॉक करेंगे एंड अनलॉक करने जाएंगे तो इंस्टेंटली आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखिए, अभी मोबाइल को लॉक किया एंड अनलॉक करते ही इंस्टेंटली होम स्क्रीन पर है, तो तुरंत आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टिप है जो कि डेवलपर ऑप्शंस में आपको ये सेटिंग्स मिलेगा, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ऑन करके देखिए। दूसरा टिप यहीं पर है डेवलपर ऑप्शंस में ही, तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है एक, अगर आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि जो आइकॉन साइज़ हो, या फिर अगर आप देखें होंगे कॉस्टली मोबाइल में तो इसका लुक अलग होगा उसका, क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा रहेगा। इसका डिफ़ॉल्ट में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, तो उस चीज़ को आप चेंज करके थोड़ा क्वाड HD टाइप का आप बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट विड्थ करके है। तो इस चीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट 392 है, तो हम इसको जाकर क्या करेंगे, 420 ऐसे कुछ करेंगे। तो ओके टैप करने से देखिए इसका जो फॉन्ट साइज़ हो या फिर इसका एक लुक हो वो अलग ही आपको देखने को मिलेगा यूज़ करने के लिए, तो देखिए कितना हाई रेजोल्यूशन जैसा आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको अगर पता नहीं तो आप अपने मोबाइल में करके ज़रूर देखिएगा, लाइक हाई रेजोल्यूशन मोबाइल यूज़ करने जैसा लगेगा, तो बहुत ही अच्छा है। एंड बहुत सारे स्क्रीन रियल एस्टेट, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं क्रोम में या फिर कोई ऐप्स में, तो बुक रीडिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारा एक ही स्क्रीन में कवर हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, यहाँ से आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 392 है, एक साइड आप लिख कर रख सकते हैं ताकि अगर आप भूल जाते हैं डिफ़ॉल्ट क्या था, तो इस चीज़ को आप फिर से ऐसे चेंज करके 392 करके ओके पर टैप कीजिए, या फिर मेरे वीडियो को देखिए, फिर से आप इस नंबर को रख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है अगर आप इसका रेजोल्यूशन फोर्सेबली बढ़ाना चाहते हैं तो। एंड बढ़ते हैं अगला सेटिंग्स, होम स्क्रीन सेटिंग्स पर है। जैसे कि आपको पता है Xiaomi का जो है वो लेफ्ट साइड, मतलब कि -1 स्क्रीन कहते हैं Xiaomi यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम स्क्रीन है, तो इसका लेफ्ट में ऐसे लेंगे तो ऐप वॉल्ट करके आएगा, तो इस चीज़ को आप गूगल डिस्कवर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो है वो ऐप वॉल्ट है, इसमें ढेर सारे आपको शॉर्टकट्स यूज़ करने के लिए मिलेगा एंड आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मैं दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ उसको कैसे कस्टमाइज़ करें। एंड ढेर सारे इसमें फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंटली मेमोरी बूस्ट करने के लिए यहाँ पर मिला है, अगर आपका मोबाइल स्ट्रक हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो इस चीज़ को आप एक बार ऐसे टैप करके ज़रूर देखिए, मेमोरी बूस्ट होगा। सो इस ऐप वॉल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टैप एंड होल्ड कीजिए होम स्क्रीन पर, जहाँ पर आप विडजेट्स वॉलपेपर चेंज करते हैं वहाँ पर जाना है, तो सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये जो है मोर करके टैप कीजिए एक बार, तो -1 स्क्रीन, सो होम स्क्रीन का सेटिंग्स यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ऐप वॉल्ट करके है, आप इसको गूगल डिस्कवर रख सकते हैं या फिर नन करके भी आप रख सकते हैं। बार बार उस -1 स्क्रीन अगर आपको परेशान करता है तो -1 को हटा सकते हैं, तो नन पर टैप करेंगे तो वो बिल्कुल चला जाएगा, या फिर आप गूगल डिस्कवर रखेंगे बैक लेंगे ऐसा, तो देखिए -1 स्क्रीन पर है गूगल डिस्कवर। तो ऐसे इस चीज़ को आप चेंज करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं Xiaomi में, तो इस चीज़ का ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा आप। वैसे ही नेक्स्ट, अगर आप आइकॉन साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, मतलब आपको ये आइकॉन साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा लग रहा है, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप टैप एंड होल्ड कीजिए फिर से सेटिंग्स पर जाएंगे हम, एंड यहाँ पर आपको आइकॉन साइज़ मिलेगा मोर पर, तो
आइकॉन साइज करके लिखा हुआ है, तो फिलहाल आइकॉन साइज इतना है तो आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे करेंगे, बैक लेंगे, तो देखिए कितना बड़ा आइकॉन साइज हो गया, राइट। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको देखने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, बहुत ही छोटा ऐसे आइकॉन्स है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड वैसे ही अगर आपको ये होम स्क्रीन पसंद नहीं आता, सारा ऐप्स जो है वो होम स्क्रीन में ही रहता है ना, तो ये वाला आपको पसंद नहीं आता है, तो आप फोर्सेबली एक ऐप ड्रॉअर लेना चाहते हैं, तो ऐप ड्रॉअर में सब ऐप्स मिलेगा। जैसे हम दूसरे मोबाइल्स, ब्रांड मोबाइल्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सेपरेट ऐप ड्रॉअर रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैप एंड होल्ड, एंड यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना है, एंड मोर पर जाना है। तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन करके है, तो यहाँ से क्लासिक को हटाकर आप विथ ऐप ड्रॉअर करके रखिए, एंड ऐप कैटेगरीज भी आपको मिलेगा। जैसे पोको फोन्स में होता है यूजुअली, तो ऊपर कैटेगरी कैमरा रिलेटेड ऐप्स हो या फिर फोटो एडिटिंग रिलेटेड ऐप्स हो, वो ऑर्गेनाइज भी आप कस्टम में जाके कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऐप्स को ऐड करना है, तो वैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे डार्क बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, या फिर लाइट हो, या फिर ऑटो बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी वॉलपेपर के साथ, तो वो भी आप चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, तो देखिए अभी ये जो है, आप ऐप्स को इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। अभी होम स्क्रीन हो गया, सिर्फ टू स्क्रीन है अलॉन्ग विथ माइनस वन, और ऐसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे। तो ऑल ऐप्स है, कम्युनिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइज हो चुका है, बहुत ही अच्छा है। जैसे पोको फोन्स में आपको मिलेगा, वैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ऑर्गेनाइज है। एंड यहाँ से क्विकली आप कोई भी ऐप को सर्च भी कर सकते हैं। तो एक शॉर्टकट चीज़ है, मुझे तो ऐसे ऐप ड्रॉअर पसंद आता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होम स्क्रीन में छोड़ देते हैं आइकॉन्स को, तो बहुत सारे ऐप्स अगर आपके मोबाइल में है तो ऐप ड्रॉअर आप करेंगे तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा रहेगा। तो और भी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है, इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स मैंने बताया हूँ, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस। और आई थिंक ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं अगले वीडियो में आपको ढेर सारे और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये थे इतने टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।